किशनगंज थाना पुलिस ने लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन कर रहे दो फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की। फैक्ट्री मालिक 23 कर्मचारियों के साथ दोंदे पत्तल बनाने और गोटा बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। किशनगंज थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों को सूचना मिली कि नौसर घाटी स्थित गुप्ता फैक्ट्री की दो फर्म सुगंध चंद रतनलाल और राजेंद्र कुमार अनिल कुमार जैन अपनी फैक्ट्री में 23 लेबरों के साथ काम कर रहा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, वहीं धारा 144 का उल्लंघन भी किया गया। बहरहाल किशनगंज थाना पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। के दौरान हमारे को सूचना मिली थी कि पुष्कर रोड पे नौसर के घाटी के में एक जो गोटा फैक्ट्री और जो पत्तल ढोने की फैक्ट्री है उसमें अभी भी लेबर काम कर रही है और उन्होंने लॉकडाउन की पालना नहीं की है तथा वो एक ही कमरे में झुंड बना के काम कर रहे हैं। इस इतला पर हमारे थाने से स्टाफ भेज के और वहाँ पर मालूम कराया तो पता चला कि वहाँ पर दो फर्म है, जो एक तो है सुगनचंद रतनलाल प्राइवेट लिमिटेड और एक है राजेंद्र कुमार अनिल कुमार जैन की जो फर्म थी, उनमें दोनों में काम चल रही थी और 23 लेबर वहाँ पे काम कर रही थी। इस पर हमने लॉकडाउन के उल्लंघन की, संक्रमण फैलाने की संभावना और इस पे कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की।